अब जो गलती से फंसा हुआ है वो तो सुधर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने क्राइम को अपना प्रोफेशन बनाया है, पैशन बनाया है, वो क्या सुधरेगा? ये लोग अपने सोसाइटी के लिए जहर है, जहर। सही बात। और ये जहर को एनकाउंटर करके हटाना पड़ेगा। इनकाउंटर स्पेशल रघुराम को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही रघुराम है जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और जिसमें वो ये कहते हुए सुने गए थे, एनकाउंटर करके हटाना पड़ता है। सर, आपको फेक इनकाउंटर के चार्ज पे सस्पेंड किया गया है। इनकाउंटर के नाम पे आपने मर्डर किया है। सर, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? अपनी बेगुनाही के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम भरत मनोहर है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं डिजिटल मैगजीन क्राइम मिरर के लिए काम करता हूँ। भरत मनोहर? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो भरत मनोहर है जिन्होंने बड़े बड़े लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया है? जी, एक्चुअली वो लोग जो चुपके चुपके बुरे काम करते हैं ना, उन्हीं लोगों का चुपके चुपके मैं वीडियो टेप बना के उसे एक्सपोज कर देता हूँ। सर, मुझे अभी भी जगदीश और काजल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। सर, इन दोनों ने ना सिग्मा प्लेसमेंट एजेंसी करके एक फर्जी कंपनी बनाई जिसके अंदर ये भोली भाली गरीब लड़कियों को फैला फुसला कर लाते हैं पैसे का लालच देकर, और उन्हें 40-50 हज़ार में बेच देते हैं। अब मैं इनका स्टिंग ऑपरेशन करके इनको एक्सपोज करने वाला हूँ। चलो। चलो, तुम्हारे कैश गिनने का टाइम आ गया, मुझे लेके चलो सबको। मतलब भरत भाई, ये क्या चल रहा है? सर, ये स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज। स्टिंग ऑपरेशन किया क्या हमने? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार। इंग्लिश हिंदी दोनों समझते हो ना? अब बिना चूचा किए गाड़ी में बैठो वरना यहीं से आओ भगत चालू हो जाएगी तुम्हारी। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। चलिए, बात तो मानिए सर। ठीक, क्या हुआ भरत? देखिए सर, हमारी एक छोटी सी कंपनी है, घर काम के लिए बाई दिलाना, डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करना हमारा काम है, और उसी लिए हमने उन दो लड़कियों को वहाँ पर बुलाया था। हाँ सर, मैं एक औरत हूँ, मैं किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत सोच भी नहीं सकती। सर, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। सर, एक औरत के साथ क्या कर सकती है, ये तुम मुझे तो मत बताओ। हजारों केसेस देखे मैंने। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट, ये लीजिए, ये है मेरा कार्ड, देखिए देखिए। आप हमें किसी भी झूठे इल्जाम में अंदर नहीं कर सकते। ये कार्ड दिखा के इंप्रेस कर रहा है मुझे? ऐसे कार्ड गली गली में 300 रुपए में छपते हैं, पकड़। क्या बात कर रहे हो आप? मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, टैक्स पे करता हूँ मैं। देखिए, मैं चुप बैठने वालों से नहीं हूँ, मैं मीडिया के पास जाऊंगा। तू क्या मीडिया के पास जाएगा? मीडिया ही तुझे यहाँ लेके आया है, और टैक्स पे करने से तेरे गोरख धंधे लीगल नहीं हो जाते। मैंने कुछ भी इलीगल। तुम 2 मिनट चुप बैठो, मैं बात करती सर। हम शरीफ लोग हैं, सोसाइटी में हमारी इज्जत है, और आप ऐसे किसी के भी कहने पे हमें यहाँ उठा ले आए, और वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम में? सर, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सर सर, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। छानबीन होने तो जाने देंगे, कंप्लेंट आई है, रेड में पकड़े गए हो, समझे? अच्छा, तो वर्दी पहनी है इसलिए आप कुछ भी करोगे हमारे साथ? हाँ, आपके ऊपर भी कुछ चीज़ है, कानून नाम की चीज़ इस देश में है। मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दूंगा। देखते हैं, एंजल कड़े मोबाइल पोस्ट वगैरह जगह ऐसे से जमा कर। सर, सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर हम ऐसे लोग नहीं है। अब ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। अब ये बताओ कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? साहब, नौकरी के लिए गए थे वहां पे। काजल दीदी ने बोला कि ऑफिस में चाय पानी और झाड़ू
पोछा के लिए भाई चाहिए। कुछ गलत काम नहीं करने गए थे साहब, हम सच बोल रहे हैं। अभी क्या साहब, कभी कोई गलत काम नहीं किया। घर घर काम करके पेट पाल रही हूँ साहब। एक छोटी बच्ची भी है पड़ोसी के पास। इनका मेडिकल करवाओ, स्टेटमेंट लिखवा लो और जाने दो। ओके सर, आइए। जी कहिए साहब। हम लोग भी टेंशन में, पता नहीं कहाँ चले गए। दोपहर से गायब हो। उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाने को सोच रहे थे। और साहब मुंबई उसके लिए नया है, हमारा गांव तो जलगांव है। मैं भी उससे पहले बाबा के पास ही रहती थी, जब शादी हो गई तो यहाँ पे आ गई। पिछले साल जब बाबा चल बसे तो रेनू अकेली हो गई, इसलिए मैं उसे यहाँ पे ले आई। जब से यहाँ पे आई है इसी मोहल्ले से बाहर कहीं पे भी नहीं गई। इस मोहल्ले में कोई स्कूल भी नहीं है, तो क्या उसकी पढ़ाई बंद हो चुकी थी? साहब मैं एक छोटे से कंपनी में काम करता हूँ, बहुत कम पगार है, महीने का खर्चा निकालना मुश्किल है, उसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठाता। साहब हम लोग तो सोचे थे 18 की हो जाएगी तो अच्छी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी पे लगा देंगे, पर वो तो 10वीं भी पास नहीं है, कौन देगा उसे अच्छी नौकरी। आपकी बहन एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के रेड में पकड़ी गई है, फिलहाल तो कुछ साबित नहीं हुआ है, इसलिए हम पूछताछ कर रहे हैं। शायद ये घर है। यहाँ तो लॉक है। चलो तेना विचोरिया। मैडम ये सीमा का घर है ना? हो साहब। इसके घर में कौन कौन रहता है? और इसकी ये बेटी, उसके पति तो 6 महीना पहले ही उसे छोड़कर चला गया। बेचारी तब से अकेली बच्ची को पाल रही है, लोगों के घर में झाड़ू खट्टा करके पैसे कमा रही है। अच्छा ये काम पर कब जाती है और वापस कब लौटती है? काम को जाती है, 6 बजे तक वापस आ जाती है। मालूम नहीं क्या अभी तक आई है, बच्ची तब से रोई जा रही है, मैं वही देखने के लिए बाहर आई। पर साहब आप सीमा के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? सर रेणू और सीमा की मेडिकल रिपोर्ट कल आ जाएगी। सर साइबर टेक्नीशियन के मुताबिक उस चिप का डेटा रिकवर करने की कोशिश की तो पता चला कि वो चिप तो खाली है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। मुझे अगर वो जगदीश को ब्लैकमेल करना चाहता था या लड़कियों का फायदा उठाना चाहता था या फिर उसका कोई पर्सनल मोटिव था तो उसने पुलिस को इन्वॉल्व करने का रिस्क क्यों लिया? स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जहां बड़े बड़े खुलासे हुए, वहीं स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासे करने वाले पत्रकार भी खुद इसका शिकार होते हुए दिखाई दे। और ये भी देखा गया कि स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर कुछ लोग वसूली और ब्लैकमेलिंग करके पैसा बनाने लगे और अदालत ने भी एक नहीं बल्कि कई मामलों में स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो से छेड़छाड़ की बात की और सच मानो कहीं गर्त में गुम हो गया। और इस स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता क्या थी, क्या यह सच था या फिर कोई जालसाजी? और अगर यह झूठ था तो कोई रिपोर्टर ऐसा झूठा स्टिंग ऑपरेशन क्यों करेगा? हाँ बोलो। मैं भरत बोल रहा हूँ। जानती हूँ क्यों फोन किया ये बताओ। देखो सरिता मेरे साथ इतना हार्श होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ हमारे बीच के रिश्ते सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी है तुम्हारे घर में अभी, जिसे मिलने के लिए मुझे कोर्ट ने इजाजत दी है। और मैंने तुम्हें यही याद दिलाने के लिए फोन किया था कि
कल मेरी उससे मिलने की तारीख है। कल मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम नेक्स्ट वीक मिल लेना। सर तब प्लीज ऐसा मत करो। सर हमने इस भरत मनोहर के बारे में पता किया, वो इस क्राइम मिरर मैगजीन के लिए पिछले 15 साल से रिपोर्टिंग का काम कर रहा है। लेकिन पिछले 2 साल में ये मैगजीन प्रिंट से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है और इसकी नौकरी खतरे में आ गई, क्योंकि इसके पुराने तरीके नए डिजिटल नॉलेज के सामने फेल होने लगे। इसने स्टिंग ऑपरेशन का रास्ता चुना। इसने एक पुलिस इंस्पेक्टर का स्टिंग ऑपरेशन भी किया। इनकाउंटर स्पेशल रघुराम को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही रघुराम है जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। शायद अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने स्टिंग ऑपरेशन किया हो जो फेक हो। सर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कैमरे के अंदर करप्ट चिप डाली जाए और जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन दबाया जाए तो कैमरा तुरंत सिग्नल दे देता है कि कैमरे के अंदर करप्ट चिप है। ये तो स्टिंग ऑपरेशन का मास्टर है, मतलब ये जानता था कि कैमरे के अंदर करप्ट चिप है, फिर भी उसने स्टिंग ऑपरेशन करवाया शायद हमें गुमराह करने के लिए। गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम बांटते फिरे। और तुझे तुझे पैसों की क्या जरूरत है? तेरे पास तो इतने हैं कि तू दूध तो छोड़ दूध की डेयरी तक खरीद सकती है। तू कितनी सती सावित्री है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। और तेरे जैसी औरत के साथ बात करके ना मैं अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती हूँ। चल निकल यहाँ से। मोहिते इस भरत के बारे में छोटी से छोटी डिटेल निकालो, पता करो ये आदमी किस तरह का है, इसका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि इतना तो साफ हो गया कि इसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हुआ कि इसका असल मकसद क्या था। सर भरत बहुत सीनियर एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, मुझे नहीं लगता है वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है क्या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ उसने ये स्टिंग ऑपरेशन से बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ली है। पुलिस के सामने ये केस एक पहेली की तरह से बन गया था। एक स्टिंग ऑपरेशन तो हुआ था लेकिन चिप में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। पत्रकार भरत देह व्यापार का आरोप काजल और जगदीश पर लगा रहा था और वो दोनों भरत पर एक झूठे स्टिंग ऑपरेशन का आरोप लगा रहे थे। दोनों में से कौन सच कह रहा था ये जानना बेहद चुनौतीपूर्ण था। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस केस से जुड़े हर व्यक्ति की जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला था। ये लो पानी पी लो, भूख लगी है, कुछ खाना खाओगी? वाह बढ़िया, खाना खिलाए उसको। तुम्हारे भाई महान काम करके लौटे ना, कर लो स्वागत उसका। चल चल यहाँ से निकल, चल यहाँ से निकल, चल चल निकल। नहीं तू ऐसे नहीं मानेंगे ना, यहाँ से निकल। तेरे जैसे लड़के को क्या है, वो ठिकाने आप उसके पास कहीं पे भी जाए लेकिन यहाँ नहीं रह सकते हो, मुझे समाज में रहने का है। एक बात सुन, मेरे पीठ पीछे उससे बात की या मिली ना तो तुझे घर से निकाल दूंगा, समझे? तू क्या मुंह देख रही, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, आइंदा तेरी शक्ल मत दिखाना मुझे, चल निकल यहाँ से। इसका मेडिकल करवा के इसको घर भेज दिया था ना? हाँ सर। रिया क्या कर रही है? सर मेरे जीजा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई बाबा के जाने के बाद दीदी मुझे मुंबई ले आई, जीजा जी ज़्यादा नहीं कमाते थे इसीलिए उन्हें भी मैं बोझ लगने लगी, हमेशा दाने देते रहते थे मुझे भी और दीदी को भी।
वहीं पे ये मुन्ना भी रहता था और एक दिन क्या सोच रही है? आज फिर खाना नहीं मिला ना? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही है? हैं? कुछ काम धाम कर, हैं? अपने पैरों पे खड़ी हो जा। जब चार पैसे आएंगे ना तो इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। मैं दिलवाता हूँ तेरे को काम। पहले बाबा पे बोझ थी और अब दीदी जीजा जी पे भी बोझ बन गई थी। मैंने सोचा अगर कुछ ढंग का काम मिल जाए तो मैं कुछ पैसे कमा लूं, तो किसी पे बोझ नहीं रहूंगी। इसीलिए मैं मुन्ना के साथ गई। वो मुझे अनीता आंटी के पास लेकर गया। फिर अनीता आंटी ने मुझे काजल मैडम से मिलाया एक रेस्टोरेंट में। अगले दिन काजल मैडम मुझे एक ऑफिस में लेके गई, वो ही ऑफिस जहाँ से आप हमें यहाँ लेके आए थे। तो जब उस दिन तुम्हें ऑफिस बुलाया गया था, हमारे पहुंचने से पहले वहाँ क्या क्या हुआ था? काजल मैडम ने उस आदमी को मुझे देखने को बोला। चल कपड़े उतार। जी? हाँ, कपड़े उतारो अपने। काजल दीदी क्या कह रहे? पूरे 50,000 दिए तुम्हारे, तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे ना। फिर वो मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मुझे एनजीओ को फोन करो और इसे उनके साथ रखवाने का प्रबंध करो। ओके सर। अच्छा वो ऑफिस जहाँ इनको अरेस्ट किया वो किसका है, आपका है? नहीं 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 सर, मेरा नहीं, मेरे एक फ्रेंड का है, मिस्टर आलोक पटेल। सर वो रियल एस्टेट में डील करते हैं और पहले भी मेरी मदद कर चुके हैं। जब मैंने उन्हें इस केस के बारे में बताया तो फिर से तैयार हो गए मेरी मदद करने के लिए। अच्छा ये आलोक पटेल का ज़रा नंबर दीजिए मुझे। सर इनका नंबर क्यों चाहिए सर? आप खामा खा इन्हें केस में घसीट रहे हैं सर, बल्कि उन्होंने तो आपकी हेल्प ही की है सर। अगर हेल्प कर रहे हैं तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना, और वैसे भी हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप नंबर दीजिए। सर मैं आलोक पटेल। भरत मनोहर का कहना है कि आपने हमारी हेल्प करने के लिए अपना ऑफिस उनको स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए दिया। आज हमने वहाँ पर रेड की, वहाँ से हमने दो लड़कियों को और दो एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। तो क्या आप पहले से जानते थे कि आपके ऑफिस में ऐसा कुछ होने वाला है और आपके ऑफिस कुछ दिनों के लिए सील हो सकती है? सर भरत को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। इन्होंने कहा था कि इनको ऑफिस में कोई मीटिंग लेनी है, इसलिए मैंने इन्हें ऑफिस दिया था। लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम भी नहीं लिया इसने। तो ऐसे ही भरोसा करके ऑफिस दे दिया? इस बात का क्या सबूत है कि तुम इसमें शामिल नहीं हो? सर मैं ये लड़की वड़की का चक्कर। भरत अरे क्या यार बेकार में मुझे फंसा रहा है तू? हाँ एक तो भरोसा करके तुम्हें ऑफिस दिया, अब ये पुलिस वालों के सवालों का जवाब भी मैं दूं क्या? आलोक भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे क्या शांत हो जाओ, बैठे बिठाए तुमने मुसीबत खड़ी कर दी, मदद करने का यही इनाम दिया क्या तुमने मुझे? आप दोनों शांत हो जाइए, फिलहाल आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। चलिए। इसने आलोक पटेल को भनक तक नहीं लगने दी, उसके ऑफिस में वो क्या करने वाला था मुझे। लेकिन फिर भी उसका मोटिव क्या हो सकता है, क्योंकि उसने खुद हमें फोन किया था और वो अपने आप को जानबूझ के ऐसे मामले में तो फंसाएगा नहीं। फिर भी उस पर नजर रखो। रेनू के बयान ने इस पूरे केस को घुमाकर रख दिया था, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। भरत को समझने के लिए अब पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके जानने वालों से उसके बारे में पूछताछ शुरू की। सर आप क्यों मुझे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर परेशान कर रहे हो? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उस आदमी को छोड़ चुकी हूँ जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। उस आदमी ने एक प्रोस्टिट्यूट के लिए मुझे धोखा दिया। अरे बंद करो अपना ये समाज सेवा का ढोंग। ये समाज सेवा नहीं है, मेरा काम है और मेरे काम को गाली मत दो। अच्छा तुम काम के नाम पर हमारे रिश्ते को गाली दे सकते हो, मैं तुम्हारे ढोंग को गाली नहीं दे सकती हूँ। अरे तुम्हारा असली रूप देख लिया है मैंने, बंद करो ये शरीफ होने का नाटक। मुझे शर्म आती है खुद पर कि मैंने तुम जैसे नीच आदमी के लिए अपनी फैमिली अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुमने एक प्रोस्टिट्यूट के लिए। हजार बार समझाया तुम्हें सरिता मैंने, हजार बार, कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरत के लिए तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है? मुझे उससे नहीं,
पर तुमसे उम्मीद थी। अरे क्या उम्मीद थी मुझसे कि मैं एक रिपोर्टर होने के बावजूद उस दलदल में फंसी हुई लड़की की मदद ना करूं, उसे उस नरक से ना बचाऊं, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी बसी हुई है उसकी वजह से मैं उस लड़की को उस कीचड़ में मरने के लिए छोड़ दूं। बेशर्मी की भी हद होती है भरत, तुम अब भी खुद को डिफेंड कर रहे हो। समझने समझाने का वक्त चला गया, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूं। प्रोस्टिट्यूट के लिए आपको धोखा दिया, मतलब? थी एक जिसे उसने रेड लाइट एरिया से अपने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू बचाया था। एक प्रोस्टिट्यूट को बचाया और आपको धोखा दिया, ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। उस लड़की का नंबर है आपके पास जिसे उसने बचाया था? हेलो जी, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। साम, मैं नासिक से हूँ, मेरे अंकल काम देने का झूठ बोलकर मुझे मुंबई लेके आए और यहाँ के लड़कियों के दलाल को मुझे बेच दिया। सब वहाँ पे मैं अकेली लड़की नहीं थी, मेरे जैसी और बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनके साथ दिन रात बहुत बुरा काम होता था। तो फिर तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले? भरत साहब जैसे नेक इंसान की वजह से मैं वहाँ से बाहर निकल पाई सर। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और पुलिस को बताया, जिसमें सब लोग पकड़े गए। जो लड़कियां जहाँ की थी उनको वहीं पे भेज दिया। साहब मैं भी घर चली गई थी, लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला कि इतने दिन मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो उन्होंने मुझे घर में लेने से इनकार कर दिया। मैं सड़क पर आ गई थी साहब, तो मैंने भरत सर को बोला, वो मुझे एनजीओ में लेके गए। तो जब भरत ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो उसने उसकी कोई कीमत मांगी? मेरा मतलब है फिजिकल फेवर या ऐसा कुछ? सब जब मुझे पता चला कि मेरी वजह से उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है, तो एक दिन मैं उनसे मिलने उनके घर गई थी। सर ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही आप मेरी मदद करते और ना आपकी बीवी आप पर शक खाती। आप चाहे ना तो मैं उनसे मिलकर उनको समझा सकती हूँ कि वो जो कुछ समझ रही है, सोच रही है, वो सब गलत है। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मेरा परिवार टूट गया, मेरा घर टूट गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ पर मुझसे ये सब, सॉरी। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। साहब भरत सर जैसा आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, जिनको मना करने पर उन्होंने खुद को रोका नहीं बल्कि मुझसे माफी भी मांगी। वरना जिंदगी में जो भी मिला है नोच खाने वाला ही मिला है। भरत सर बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, तुम जा सकते हो। साहब आपसे एक विनती है, मैं अब नौकरी कर रही हूँ, अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। आप लोग प्लीज मुझे इन सब बातों में मत फंसाइए। मुझे तो इसकी बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है ये सच नहीं बोल रही। अगर भरत ने इसके साथ कुछ गलत किया भी होगा तो ये छुपा रही है, क्योंकि अब इसके साथ सब कुछ ठीक है और ये नहीं चाहती है कि इसके पास की वजह से इसका फ्यूचर खराब हो। मोहिते, भरत को वापस बुलाओ। मिस्टर मनोहर, डिटेल में बताइए ये स्टिंग ऑपरेशन आपने कैसे किया? सर मैंने इनकी कंपनी के ऑफिस पर फोन किया और इन्होंने मुझे गोरेई बोरीवली वेस्ट वाले एड्रेस पर बुलाया।
अच्छी है। इसका कितना देना पड़े? 50। ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे दहीसर वाले ऑफिस में आ जाइए, वहां मिलके डील फाइनल कर लो। आपने छोटे लड़की के लिए बोला था, फिर भी मैं दोनों को ले आई हूं, एक बार देख लो और जिसको रखना है वो बता दो। मुझे ये छोटी वाली चाहिए। तो इसके लिए आपको 50,000 देने पड़ेंगे, और ये नहीं है, इसने कभी ये काम किया नहीं है, तो एक बार बात करके देख लो, बाद में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे मुझे नए लोगों को ट्रेन करने में बहुत मजा आता है। जाओ सर के पास। क्या नाम है तुम्हारा? रेनू। कितने साल की हो तुम? पिछले महीने 15 साल की हुई हूँ। वो जो आपकी 50,000 रुपये की पेमेंट थी ना, वो अभी थोड़ी देर पहले ये क्लाइंट आया था, उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ी। नहीं, 20,000 रुपये है मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ, बाकी के 30,000 जो है ना वो एटीएम से निकाल लेता हूँ, एटीएम सामने ही है। हाँ ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं एटीएम से पैसे निकाल कर आता हूँ। लेकिन जगदीश और लड़कियों का कहना है कि आपने उन्हें वहाँ घर काम के लिए बाई चाहिए ऐसा बोल के बुलाया था, वो कोई देह व्यापार नहीं करते और आप उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। भरत के बयान के उलट रेनू का कुछ और ही कहना था। रेनू ने उस पर शारीरिक उत्पीड़न और जबरदस्ती संबंध बनाने का आरोप लगाया था। सर आपके हिसाब से मैंने उसके सारे कपड़े उतारे और उसे मोलेस्ट किया, मगर क्लास के उस कैबिन के बाहर सबने देखा होगा ना सर, उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सर आपने उनमें से किसी की भी स्टेटमेंट ही नहीं ली, क्योंकि अगर आप लेते तो आपका झूठ पकड़ा जाता। शायद सर आप भूल रहे हैं कि वहां मैंने आपको बुलाया था। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया और ये स्टिंग ऑपरेशन तुम्हारे काम का हिस्सा था, पुलिस को बुलाया वो भी अच्छा काम किया, लेकिन अपने स्टिंग ऑपरेशन को सच दिखाने के लिए तुम्हें लड़की के पास जाना पड़ा होगा, उसे छूना भी पड़ा होगा, समझते करना पड़ता है। हम भी जब अंडरकवर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कभी कभी छोटी मोटी गलत चीजें करनी पड़ती हैं। सर जो हुआ नहीं हुआ वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा सर, वैसे भी इतनी क्या चलती है, लेकिन चाल बहुत अच्छी चली सर आपने, बहुत अच्छी, मगर मैं फंसा नहीं क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं सर। मैं जानता हूँ सर अपने डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर का बदला लेने के लिए आप ये केस मुझ पर डाल रहे हैं। ठीक है सर, आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति अपनी वफादारी दिखाइए और मैं अपने काम के प्रति, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा सर। भरत तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम भूल गए कि जिस दिन हमने रेड डाली थी उस दिन छुट्टी थी और ऑफिस में जगदीश काजल तुम्हारे और उन दो लड़कियों के अलावा और कोई नहीं था। सर रेणु और सीमा इन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक रेणु तो आज तक किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, लेकिन बावजूद सीमा का पति 6 महीने पहले उसे छोड़कर चला गया, सीमा आज भी सेक्सुअल एक्टिव है, कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध हुए हैं। मतलब सीमा का कहीं अफेयर है या फिर उसने हमसे झूठ बोला? मुझे लगता है कि सीमा इस दलदल में फंस गई है और रेणु शायद इसमें गिरने से बच गई। सीमा को पूछताछ के लिए वापस बुलाओ। सीमा ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, इसके मुताबिक तुम लगातार शारीरिक संबंध बनाती आई हो, जबकि तुमने बताया कि 6 महीने पहले तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया। क्या अब यही कहोगी कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो? देखो तुम्हारे एक झूठ से काजल और जगदीश बच जाएंगे और तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। साहब
जो भी किया मजबूरी में किया, मर्जी नहीं थी हमारी। कैसी मजबूरी? साहब हम छपरा से, 16 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई, पति के साथ हम मुंबई आ गए। अभी 6 महीने पहले हमारी एक बेटी हुई है साहब। पति को लड़का चाहिए था, इतना नाराज हुआ लड़की होने पे कि छोड़कर ही चला गया। हमने अपनी मर्जी से बेटी पैदा की थी क्या साहब? वो तो बाप है, भाग गए। हम तो मां है ना साहब, अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? उसके दूध के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, ऊपर से वो मकान मालिक हर बात पे धमकी देता है कि वो बात के पैसे। ये जो था ना ये भरपाई थी, पिछले 2 महीने को भाड़ा नहीं दिया ना उसकी, अभी ये महीने का बाकी है, आता हूं अगले हफ्ते वसूली करने। अच्छा पैसे चाहिए ना तुझे? एक औरत है तू बोले तो मिलवा देता हूं उसे, वो तुझे लोगों के घर में झाड़ू कट्टे का काम दिलवा देगी। पोछा करके कितना कमा लेगी? महीना भर खुद को घिसेगी ना तो भी ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,200, उसके ऊपर नहीं। और जो मैं कह रही हूं वो करेगी तो 1 घंटे का 1,000 मिलेगा। देख तू जवान है, दिखने में भी ठीक ठाक है, शायद 1,000 से ज्यादा भी मिल जाए। हाँ और किसी कस्टमर का तुझ पे दिल आ गया तो क्या कहना। आप हमें कौन से काम के लिए बोल रहे हैं? सब समझ रही है तू, बच्ची नहीं है, खुद का बच्चा पालना है तुझे, पैसे की भूख भी नहीं है तुझे। देख दिन में 1 कस्टमर करने का और खुश रहने का, बाद में पूरा दिन बच्चे को संभालने का। शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा, बाद में आदत हो जाएगी। अरे सिर्फ 10 मिनट का काम है, तेरा कुछ भी नहीं जाएगा और बच्चा भी एकदम अच्छे से पल जाएगा। खुद के बारे में मत सोच, बच्चे का सोच। हाँ बोल क्या बोलती है? हाँ भरत मनोहर भी वहां आया था, वही आदमी जिसने तुम सबको पकड़वाया? हाँ साहब। मोहिते ये फोटो ठीक तरह से देखो, क्या ये वही आदमी है? हाँ साहब ये वही आदमी है। वैसे भरत जी है? हमारा रेफरेंस किसने दिया? वो एक पार्टी में एक आदमी मिला था। अच्छा। उससे। अच्छा। और वैसे भी नंबर कहाँ से मिला कैसे मिला उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो है, आप तो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना जी, और मैं आपको पैसे दूंगा, बात खत्म। पर आपका एडवांस देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ये 1,000 रुपये चलेंगे? वो क्या है कि मेरे पास अभी कैश नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। काजल उसे लेके आना। देखिए सर ये चलेगी आपको, आई मीन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ अच्छी है। इसने हमारी मर्जी के बिना हमारे साथ जबरदस्ती की,
और पूरे पैसे भी नहीं दिए साहब। इसको ऐसे लगाना है, लगाओ ये लो, ये लो, लगा लगा। हाँ अच्छे, इसको ऐसे लगाओ, ऐसे सरिता क्यों ना हम अपना पास भुला दें, अपनी जिंदगी को एक नई तरह से शुरू करें। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम हमारी बच्ची के लिए। उसे तुम जैसे बाप की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि एक प्रोस्टिट्यूट के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था। सरिता मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। भरत मनोहर, अभी आपको कई जगह पर सफाई देनी है, हम आपको लेने आए, चलिए हमारे साथ। मतलब ये कि सीमा ने बयान दिया है कि आपने उसके ऊपर बलात्कार किया है। और उसके बयान के आधार पर हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए आप बच्चे को लेकर बाहर निकल जाइए, उसके सामने इनको अरेस्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। सरिता चलिए। तो ऐसे आपके डिपार्टमेंट ने मुझसे बदला लेने का फैसला किया है, हा? मुझे फंसाया गया है। अब तो आप ये भी कहेंगे ना कि ये जो मेरे खिलाफ चार्जेस हैं ये नॉन वेरिएबल है, यही कहेंगे ना आप, है ना? बहुत जानकारी रखते हैं आप, बाकी की जानकारी पुलिस स्टेशन में आकर देना। सवाल यह था कि सीमा द्वारा भरत पर लगाए गए आरोप कितने वाजिब थे, क्या वाकई में भरत ने सीमा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे, क्या अपने आप को एक जिम्मेदार पत्रकार दिखाने वाला व्यक्ति वाकई में बलात्कारी था क्योंकि उसका कहना था कि ये पुलिस की उसके खिलाफ एक साजिश है। सीमा के बयान के अनुसार वो गरीबी से तंग आकर देवा पार कर रही थी और उसी के कहने के मुताबिक जो हमारे बीच में डील हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो उससे ये कहां से साबित होता है कि मैं उसका रेप कर रहा था सर? तो ये साबित होता है सर कि जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी, उसकी रजामंदी से हुआ सर। ये रही आपके इल्जाम की बात, और सर दूसरी बात मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तो तुम ना ही कभी जगदीश के घर गए, ना ही तुमने सीमा को कभी देखा। सर मैं जगदीश के घर गया था मगर वो हमारे स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा था सर, मैं वहां सोने नहीं गया था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और शिकायत भी, और कौन निर्दोष है कौन मुजरिम ये कोर्ट तय करेगा। फिलहाल हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। मुझे अगर जगदीश प्रजापति देव व्यापार कर रहा है तो उसके घर पे भी कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेंगे। जरा देखो, पूरे घर की तलाशी लो। सर हार्ड डिस्क मिला है, ऊपर जाके देखो। हाँ मुझे तो बोल। सर हमें जगदीश प्रजापति के घर से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, एक रजिस्टर और एक बिल बुक मिला है। वो हार्ड डिस्क हमें साइबर सेल में भेज दी है, शायद हमें उससे कुछ प्रूफ मिले। गुड गुड गुड। मुझे तुम लोगों का भांडा फूट चुका है, सीमा ने सारी पोल खोल दी तुम लोगों की। तुम दोनों ने ही सीमा को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला था और तुम्हारी ये डोमेस्टिक हेल्प की कंपनी एक दिखावा है। अब सच सच बोलोगे या दूसरे तरीके अपनाए? सर मैं सच कहता हूँ, हमने ये कंपनी डोमेस्टिक हेल्प के लिए खोली थी लेकिन उसमें ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, फिर ये ऑप्शन सामने आ गया तो हम लालच में आ गए। तो फिर तुम्हारे अलावा और कितने सीधे साधे लालची लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? मुन्ना यादव और अनीता त्रिपाठी, ये दोनों हमें लड़की अलग कर देते थे
गरीब मजबूर लड़कियों को काम देने का झांसा देके हमारे पास लाते थे और हमें बेच देते थे। और ये भरत मनोहर का क्या लेना देना? उसने हमें ही नहीं, आपको भी धोखा दिया है सर। पहले उसने लड़कियों के साथ मजे लूटे और उसके बाद आपको दिखाने के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन का नाटक किया। ये केस पेचीदा हो गया था, स्थिति जड़ हो गई थी। पुलिस को ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे जिन्हें वो भरत मनोहर के खिलाफ कोर्ट में पेश कर पाए। दूसरी तरफ सीमा के बयान एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे। एक बार उसने कहा कि भरत ने काजल को पैसे दिए थे और दूसरी तरफ वो इस बात से इनकार कर रही थी। इस हालत में सीमा को भरत के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका फायदा भी भरत को ही मिलता। सारी इन्वेस्टिगेशन गड्ढमड हो गई थी। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी तब एक राह खुली और पुलिस की दूसरी टुकड़ी ने मुन्ना पांडे और अनीता त्रिपाठी को ढूंढ निकाला जो इस देह व्यापार में लिप्त और दो कड़ियां थी और शायद इस केस को और रफ्तार देने वाली थी। मैं ही रेनू को अनीता के पास में लेके गया था साहब, लेकिन क्या करता था साहब, पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, लेकिन साहब मैं उसको अनीता के पास लेके गया, इतना ही किया साहब, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया साहब, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उठा उसको। पंद्रह साल की एक बच्ची को बेच दिया और अभी सोच रहे कि कुछ गलत नहीं किया। मोहित इसको इतना तोड़ो, इसकी समझ में आना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। हाँ बेटा। पहचानते हो इसे? यही था वो, यही है वो। क्यों किया ऐसा? यही था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? देखिए, उसको लेके जा। क्यों किया? भरत का क्राइम साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और ऊपर से इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उसने ही पुलिस को फ्रेश ट्रेड में इन्वॉल्व लोगों को पकड़ने में मदद भी की थी। इस केस में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं सामने नहीं आए थे और सीमा और रेनू के स्टेटमेंट्स में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस थे। इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने भरत मनोहर को बाइज्जत बरी कर दिया। जगदीश और काजल प्रजापति को वेश्यावृत्ति के लिए और मुन्ना पांडे और अनीता त्रिपाठी को नाबालिग लड़कियों को अगवा करने और बेचने के लिए आईपीसी की धारा 366, 372 और 373 के तहत सजा सुनाई गई। रेनू के अनाथ, गरीब और बेसहारा होने ने ही उसे दलदल की तरफ धकेला था और सीमा अपनी बच्ची के लिए दूध खरीदने के लिए बिक गई थी। जिन हालात में इंसान के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए उन्हीं का फायदा उठाना इंसानियत के पतन की निशानी है। एक की मजबूरी दूसरे का अवसर बन जाती है, लेकिन अपने आप को अवसरवादी होने से बचाना इंसान का खुद का धर्म है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।